लोगो लगा हुआ है यहाँ, और यहाँ भी किया का लोगो लगा है। ये किया सेल्टोस कार का। अब इसको हेड रिमूव करते हैं और टाइमिंग भी आपको बताते हैं। यहाँ दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस R&D कार सर्विस में। एक्चुअली आज मैं ये आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये काम करने जा रहा हूँ। ये किया सेल्टोस 20 मॉडल कार है जिसका हेड ओवरहॉलिंग करना है, और जिस हेड के अंदर ये होता है ना हेड गैस्केट, उसको रिप्लेस करेंगे। जो इससे कनेक्टेड रहता है उसको निकाल दिए। ये यहाँ पे है, तो पहले खोलते हैं। सबको मालूम है यहाँ सेंसर का वायर जो निकल रहा है, देखिए। सलाम अलैकुम, कहाँ जी अजमान ने खुलन था, खोल देना खुलन। इसको पूरे को साइड में डालेंगे। बोलिए जी, इंडिया के बारे में। जो ECM से इंजन को कनेक्ट जाता है, बहुत ही सावधानी से निकलना पड़ता है। ये सेंसर गाड़ी है, एक भी वायर गया टूटा तो लफड़ा हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ से ये पेट्रोल सप्लाई करता है इंजेक्टर को। ये यहाँ से देखिए, इसको रिमूव करेंगे, इसको खोल के साइड में डाल देंगे। इसी में रहता है, देखिए नीचे ये है इंडिका के जैसा। ये जो इंजेक्टर को पेट्रोल सप्लाई करता, इसके अंदर देखिए वो क्या था। दोस्तों ये किया सेल्टोस की कार है जिसमें कैम की दो सेंसर दिया हुआ है। देखिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, देखिए। ये मॉड्यूलेटर रिमूव, ये कूलेंट टैंक है, इसको रिमूव कर रहे हैं। खुला है कि नहीं? अभी ये खोला हूँ, खोल के साइड में डालेंगे। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो चीज हम लोग जहाँ से खोलते हैं वहीं पे फिटिंग करेंगे, नहीं तो कुछ मिस होता है तो बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाती है। इसलिए जो चीज जहाँ से खोलेंगे वहीं पे फिर इसको डाल देंगे। तो ये स्पार्क प्लग का सेंसर है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर, सेकेंड, ये थर्ड, और फोर्थ में नहीं डाले, मालूम हो जाएगा फोर्थ में। इसको सेंसर को रिमूव करेंगे, कार्टून ले लो अंदर। दोस्तों ये यहाँ पे रियर एल्बो से, सॉरी रियर एल्बो नहीं, फ्रंट एल्बो है। यहाँ से टर्बो में एक कूलेंट का सप्लाई दिया है, यहाँ पे देखिए 345 का स्पेशल आता है, और यहाँ पे कूलेंट टैंक में डायरेक्ट जाता है। ये डेनमो का ब्रैकेट है, इसको रिमूव करेंगे। बताना जरूरी है डेनमो का ब्रैकेट। इनलेट रिमूव कर रहे हैं, इसका 6 बोल्ट आता है, नट बोल्ट। तो यहाँ पे इंग्लेट को रिमूव कर लेते हैं, पूरा बोल्ट अच्छे से खोल लिए। वैक्यूम कैसे जैसे ए अन लग सब कन कर किया न मान का कि भी नला न मैं आते हां जो बस दो दिन में मान मजा आए बंद हो गाड़ी में रखे उधर तो यहाँ पे इंग्लेट को रिमूव कर दिए, इसको गाड़ी में। दोस्तों तो यहाँ बहुत ही क्लीन से हमने इंग्लेट जो होता है वो रिमूव करके साइड में डाल दिए। ये कॉमन डेल, इसको रिमूव करेंगे, साइड में डालेंगे। इसमें 3 वोल्ट है, देखिए।
इसी में इंजेक्टर भी है जाके। दोस्तों तो यहाँ पे ये इंजेक्टर दी हुई है जिसको नोजल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे चार है, डायरेक्ट कमांडर से सप्लाई किया है इंजेक्टर को। फिर से बोल्ट जहाँ से खोले वहीं पे डाल रहे हैं। ये लूज दिख रहा है ना जी। हाँ यार लाइक कौन है यार, गाड़ी बलिनो ट्रैक्टर लाइट टच मार देना। ये मार का फिर से जहाँ से खोले फिर वहीं पे डाल देंगे। दोस्तों इसमें बहुत ही सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, ये तो लेटेस्ट गाड़ी है, इसका आइटम मिलना बहुत ही घंटी मार के। यहाँ पे एक ब्रैकेट आता है टर्बो के साथ, इसको रिमूव करते हैं। कौन दोस्तों तो यहाँ पे साइलेंसर खोल रहे हैं। देखिए खोलने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, ये खोलना तो पड़ेगा ना। देखिए दोस्तों तो यहाँ पे साइलेंसर रिमूव करने के बाद इसको निकालने की बारी है, इसको निकालेंगे। दोस्तों उसको निकालने से पहले बता दूं, ये जो सेंसर है ये इसमें मोल्ड है, मोल्ड नहीं बल्कि इसके अंदर से खोलने वाला है, बट खोला नहीं, इसको ऊपर बेंड करके निकाल। दोस्तों ये कैम सेंसर है, देखिए यहाँ का राइट साइड का खोल दिए, इधर का लेफ्ट का खोलना है। 400 कितना सूखा इंजन है, इसमें दिख ही नहीं रहा है कि आल चढ़ा है। देखिए ये देखिए राजन, दोस्तों यही हाई प्रेशर का जो ऊपर से पंप खोले हैं उसी का ही है। देखिए गिरेगा नहीं, हाँ गिरेगा। दोस्तों तो मैं यहाँ गाड़ी के नीचे आ चुका हूँ, इसमें टर्बो का एक ऑयल सप्लाई के लिए मेन और रिटर्न पाइप होता है। देखिए आदमी का बोला तो बोला, ये मेन पाइप है, ट्रैफिक नहीं लगा, इसको खोल रहा है। देखिए मेन हुआ और यहाँ पे बगल में जो दिख रहा है आपको, इतना लेफ्ट में जगह है, थोड़ा उतारिए ना जी नीचे गाड़ी, पुलिस आया तो परमानेंट में हटा देगा। इसी का है तो डाउन वर्क डाउन कीजिए राजन, धकेले गाड़ी। दोस्तों तो यहाँ अभी टाइमिंग केस खोलने जा रहे हैं, पहले वाटर पंप को रिमूव कर लिया, इसको निकालते हैं। ये इसका वाटर पंप हुआ, किया सेल्टोस का वाटर पंप, जिसे क्लीन से देखिए। अब उसका टाइमिंग केस, ये वीडिंग खोलेंगे। दोस्तों ये मेन फुली हुआ, इसको रिमूव करने के लिए, इसको खोलने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पे स्टार्टर का रिमूव करके, देखिए यहाँ पे इसका दांत दिख रहा है स्टार्टर का, बोलो भाई। दोस्तों यही इसका फ्लाईव्हील का ये दांत है, देखिए जिससे स्टार्टर होता है। इसी में एक स्क्रू ड्राइवर पकड़ के लास्ट में और नीचे का मेन बोल्ट लूज करते हैं। चलिए आपको इस प्रोसीजर को दिखाते हैं। दोस्तों तो ये यहाँ पे बोल्ट खुल गया है, मेन बोल्ट, देखिए अब इसका टाइमिंग केस खोलेंगे। दोस्तों तो यहाँ पे फटाफट से इसका जो वीडिंग होता है इंजन के पास, राइट साइड में ये वीडिंग जिसको बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, उसको फटाफट से खोलते हैं और टाइमिंग केस निकालते हैं। आप देखते रहिए। दोस्तों ये किया सेल्टोस की कार है, यहाँ पे बस खुल गया, आप निकाल रहे, देखिए ये पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गया है बॉडी से इंजन। अब देखिए इसका टाइमिंग केस खोलते हैं, बट ये वीडिंग खोलना है ना पहले। हेलो गाइस, तो ये जो वीडिंग का जो यहाँ पे दिया है दो स्क्वायर में, ये टाइमिंग केस में ही है। देखिए टाइमिंग केस में, शिफ्ट में क्या होता है, शिफ्ट में अलग से देता है, तो ये मत समझिएगा। किया में बहुत ही सावधानी की देखने के लिए ये ऐसा बनाया है। दोस्तों ये टेंशनर के खोलने के लिए यहाँ पे एक 12 साइज का बोल्ट आता है और एक ये अंदर है जो कि हमारे गुरु जी खोल रहे हैं। देखिए टेंशनर को खोलने के लिए
थोड़ा तकलीफ होता है। तो यहाँ पे ये पूरा बोल्ट फिटिंग राइट रॉन्ग का हमने खोल दिया है। अब गाड़ी के ऊपर चलते हैं, ऊपर से इसको स्क्रू ड्राइवर से कहीं पे लगा के इसको ओपन करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो पे बने रहे, ऊपर चलते हैं। दोस्तों तो इसको ऐसे ही निकाला जाता है, इसको निकालते हैं। देखिए दोस्तों तो यहाँ पे है टाइमिंग केस, जो देखिए रिमूव हो चुका है। बहुत ही सावधानी का ख्याल रखना पड़ता है इसमें। यही इसका टाइमिंग केस है और चैन दिखा। दोस्तों यही यहाँ पे टाइमिंग केस हमने ओपन कर दिया और यहाँ पे जो पूरा दिख रहा है ये कैम साफ्ट है और नीचे पूरा दिख रहा है वो देखिए, यही इसका टाइमिंग चैन है। क्लीन से देख लीजिए, ये किया सेल्टोस का टाइमिंग चैन है। इसका अच्छे से हम लोग इंजन रिमूव किया, हेड गैस की डालना है। क्या प्रॉब्लम से हम लोग ये खोले इसको बाद में लास्ट में बताएंगे। दोस्तों यही है देखिए किया का, इस पर किया का लोगो लगा हुआ है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे किया का लोगो लगा हुआ है यहाँ, और यहाँ भी किया का लोगो लगा है। ये किया सेल्टोस कार का। अब इसको हेड रिमूव करते हैं और टाइमिंग आपको बताते हैं, यहाँ पे टाइमिंग इसका कहाँ होता है। हेड रिमूव करते हैं, आप वीडियो पे बने रहे। दोस्तों तो सबसे पहले इसका टेंशनर को लॉक कर दिए जिससे इससे आगे ना आए। चलिए अभी ये देखिए ओपन हो गया, इसको ओपन करके चैन को निकालते हैं। इसका टाइमिंग चैन एक्चुअली चैन में ही दिया हुआ है। इसको पहले चैन को हम लोग रिमूव करते हैं, उसके बाद जिस समय टाइमिंग रखेंगे उस समय टाइमिंग मिला लिया जाएगा। इस चैन में इसका टाइमिंग है एक्चुअली। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए जो ये गोल्डन मार्क दिख रहा है, ये गोल्डन मार्क और यहाँ पे गोल्डन मार्क है, ये दोनों अपोजिट में रख के खोले और नीचे यहाँ पे रेड कलर का एक इसमें बुनका दिया हुआ है। देखिए मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ बट नहीं दिख रहा है। इसके अपोजिट में रख के चैन को खोलो, क्या भी दिक्कत नहीं हुआ। चलिए इसका हेड रिमूव करते हैं, आपको दिखाते हैं फटाफट से। दोस्तों ये आयल पंप के नीचे का चैन का फैड हुआ, देखिए। और ये देखिए टेंशनर के पास का पैड है और अभी चैन रिमूव हो रहा है। दोस्तों तो इसके ऊपर का जो पैड होता है वो भी हमने रिमूव कर दिया। अब बड़ी है ये पैड खोलने का और ये चैन को बाहर निकालने का। दोस्तों जो इसका ये जो पैड दिख रहा है इसमें 10 का ना देखे 12 साइज का बोल्ट दे दिया है। ये देखिए ये 12 साइज का बोल्ट दे दिया। दोस्तों ये चैन निकालते हैं, देखिए। तो यहाँ पे चैन निकल गया है और बाकी जो फिटिंग था वो पूरा खोल दिए। अब बाकी है हेड को ओपन करने का। चलिए फिर हेड को ओपन करते हैं, देखिए वीडियो। दोस्तों तो यहाँ पे पहले कैम्स आप दोनों रिमूव कर लेंगे, चलिए इसको खोलते हैं फटाफट से। इसका कैम्स आप टाइप किया देखिए, झटका मारेगा पति निकाल। टेन का इंजन है, ये छोड़ के उठ लगता है, लीजिए उड़ जाएगा। ऑन रहता है पिन, दोस्तों तो एक सैम कैम साफ्ट हमने खोल दिया और एक और की बाड़ी है वो भी खोल रहे हैं। डीजल किया के दिखा रहा है, तो ये खुल चुका है। यहाँ पे इसको बाहर निकालते हैं। दोस्तों देखिए ये किया सेल्टोस 20 मॉडल कार का कैम, अभी रहने दीजिए वो। अब हेड का जो बोल्ट है 10 साइज का, फ्लावर बीट उसमें आता है फ्रेंड्स, फ्लावर बीट से खोलेंगे। दोस्तों यही फ्लावर बीट जो आपको दिख रहा है वीडियो में, 10 साइज का फ्लावर बीट से खुलेगा। ये उतना उतना नहीं चाहिए, लूज पड़ी है तेका तेका खाली।
किया 1.4 हेलो बोल तो अच्छा है हेड जाएगा ना तो वो दोस्तों ये किया सेल्टोस पेट्रोल का इंजन है दोस्तों इसके अंदर वोल्ट में जो वाशर है वो उसमें रह गया है तो आपके लिए एक ऐसा चाहिए देखिए जो इसमें चपक के आराम से इसको ऐसे बाहर निकाल सकते हैं ये देखिए ऐसा आता है डिस्टिक जितना है उसमें से चपका चपका के उसमें निकाल उसमें मैग्नेट होता है इसका प्राइस 400 होता है सर आप भी होना तो खरीद सकते हैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा दोस्तों क्लीन से देख लीजिए यही मैग्नेट केबल है ये बहुत ही हेल्प करता है मैकेनिक लोग को हटाओ ना गाड़ी दोस्तों इसका हेड अब निकाल रहे हैं देखिए बैंड ना करिए तो स्टार्ट होएगा गाड़ी हाँ हाँ लिखा हो ना जी व्यक्ति लिखा हो दोस्तों तो यही फॉल्ट है ये फुल सूखा हुआ रहता है और फुल भीगा हुआ है देखिए ड्राई रहता है बट ये पूरा गीला गीला है देखिए मेरे हाथ में ये दिख रहा है इसलिए ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम था स्टार्ट नहीं हो रहा था और यहाँ पे इंजन के पास दिखा रहा हूँ आपको ये देखिए इंजन ऑयल है देखिए इसलिए एसी का स्टार्टिंग प्रॉब्लम में दिक्कत हो रहा था दोस्तों तो मैंने आपको फॉल्ट बताया मेरा यह R&D कार सर्विस का जो चैनल है ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट गाड़ी का वीडियो हम लोग डालते रहते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं टाटा बाय बाय